आज ही के दिन 1667 में पहली बार इंसान के शरीर में बाहर से खून चढ़ाया गया था। फ्रांस के चिकित्सक जॉन बेप्टिस्ट डेनिस ने पहली बार इस काम में सफलता हासिल की थी। रोगियों के शरीर में खून चढ़ाने का प्रयोग सफल हो जाने से चिकित्सा और उपचार के क्षेत्र में भारी उन्नति हुई। आज ही के दिन 1901 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले कवि जी शंकर कुरूप का निधन हुआ था। कुरूप की 40 से भी ज्यादा मौलिक और अनुदित कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। चारखंड, सूर्यकांति, पाथेयम और गद्य गद्योपहारम उनकी प्रमुख कविताएं हैं। आज ही के दिन 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में उन्होंने इस उपाधि को वापस लौटा दिया। इस घटना से भारत में आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उफन पड़ी। टैगोर को आधुनिक भारत का असाधारण सृजनशील कलाकार माना जाता है। आज ही के दिन 1947 में ब्रिटिश राज में भारत के आखिरी वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे का ऐलान किया था। दोनों देशों की सीमाएं तय करने के लिए ब्रिटेन के न्यायाधीश सिरिल रेडक्लिफ को भारत बुलाया गया। करीब 10 हफ्तों बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा। आज ही के दिन 1962 में एयर फ्रांस का एक निजी विमान बोइंग 707 पेरिस के ओर्ली हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में विमान सवार सभी 130 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे की गिनती दुनिया के सबसे बुरे विमान हादसों में की जाती है। आज ही के दिन 1984 में भारत के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ था। इस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार के आदेश से सैनिक अभियान शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य जर्नैल सिंह भिंडरावाला को खत्म करना था। इस कार्रवाई में 83 सैनिक मारे गए थे और 249 लोग जख्मी हुए थे। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।